संसद में सफाई अभियान का दूसरा दिन, लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों से किया ये अनुरोध। लोकसभा परिसर में स्वच्छता अभियान के कार्य के दूसरे दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में स्वच्छता अभियान में सांसदों का नेतृत्व किया। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और अन्य सांसदों ने भी इस अभियान में उत्साह पूर्वक भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वयं संसद भवन परिसर में सफाई का कार्य किया और संसद भवन को स्वच्छ रखने हेतु चलाए गए स्वच्छता अभियान की प्रगति का जायजा लेने के लिए संसद भवन के विभिन्न तलों, संसदीय सौध और इसके विस्तार भवन का भी दौरा किया। इससे पहले मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि महात्मा गांधी ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ स्वच्छता जन आंदोलन की शुरुआत की थी। ओम बिरला ने कहा कि उनकी 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम आशा करते हैं कि वर्ष 2019 तक उनके स्वप्न को साकार करने के लिए हमारा देश स्वच्छ हो जाए। इसके लिए संसद के सभी सदस्य जनप्रतिनिधि के रूप में स्वच्छ आंदोलन का संदेश संसद से देश के प्रत्येक गांव और शहर तक ले जाने के लिए कार्य करेंगे।